हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन, और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 9:30 बजे से। तो अभी हम क्या, अभी क्रिसमस मना के हम वापस आ गए थे कल यहाँ गौचर में, और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है अभी यहाँ पे। सभी जगह हो रही होगी, यहाँ ठंड सब जगह हो रही है। गढ़वाल में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, अभी तो बारिश के बाद और ज़्यादा ठंड होगी न्यू ईयर के बाद। तो फिर अभी 9:30 हो गई है, अंकित भी ड्यूटी चले गया है, तो मैं फिर अभी अपने लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। तो उछल उछल के इसने दिमाग ख़राब कर दिया है। इसको लगता है कि कुकी को लगता है कि अभी मुझे बाहर जाना है, और पर अभी हमारे वहाँ पे जो रूम है वहाँ पे धूप नहीं आती है सुबह में, मतलब यहाँ पे आती है 11:30 बजे तक, थोड़ा बहुत अभी स्टूडियो में, तो छत में जाना पड़ता है धूप से। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर धूप कितनी आती। तो मैंने सारे दरवाजे बंद किए रहते हैं सुबह में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, धूप पूरी आ गई है, बट यहाँ पे कोई भी धूप नहीं आती है। यहाँ पे थोड़ी सी धूप आती है यहाँ नीचे पे, यहाँ पे सीढ़ियों पे, अदरवाइज नहीं आती। और कुकी ऊपर, कुकी तो यहाँ देखो दोस्तों, कुकी हमेशा ऊपर भाग जाती है। आ जा नीचे, चलो अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ, और ये बहुत खुश। तो फिर दोस्तों, अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ, और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या नाश्ते में बना रही हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ ये देखो, अरबी की सब्जी। और अंकित को अरबी की सब्जी पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसके लिए कुछ और बनाया था। और ये अरबी मम्मी ने दी है घर से, मेरी मम्मी ने, और क्योंकि हमारे वहाँ पर बहुत सारी अरबी हो रखी थी, तो मम्मी ने थोड़ा सा अरबी हमको भी दी, और मुझे अरबी बहुत पसंद है। और ये अरबी हम कुकी को भी देंगे, कुकी खाएगी ना, कुकी तैयार हो रखी, क्योंकि कुकी को आलू और अरबी बहुत पसंद है। चलो दोस्तों, अभी मैं बनाती हूँ खाना, मतलब नाश्ता अपना। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मैंने ये अरबी की सब्जी काट ली, उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिए हैं मैंने। और हमारे वहाँ अरबी को पिंडालू बोलते हैं, तो आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या बोलते हैं। हमारे वहाँ इसको पिंडालू बोलते हैं, और मुझे बहुत ही पसंद है ये चीज़। तो फिर अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और मैं फिर अब बनाती हूँ पिंडालू की सब्जी। और मैंने अभी कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और पिंडालू की सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है, टेस्टी होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल दिया है। और मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा या फिर जख्या, जो भी आपके पास है वो डाला, और उसके बाद उसमें जो भी अरबी और प्याज वगैरह डाला, और मसाले वगैरह डाले, और थोड़ा पका दिया। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट में बताना। और दोस्तों, अभी हो गई है शाम, और मैं अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 6 बजे से, क्योंकि अभी मैं दिन में थोड़ा कर नहीं पाई, क्योंकि बिजी थी इसलिए नहीं कर पाए। और फिर अभी जुकाम भी लग गया है मुझे, इसलिए थोड़ा सा बुखार वगैरह आते थे, इसलिए नहीं कर पाए। और अभी हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग, क्योंकि कुछ बड़ा सरप्राइज़ है आप, बहुत बड़ा सरप्राइज। तो फिर अभी देखना, अभी आगे अभी क्या है सरप्राइज आपको बताएंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज है, इसलिए हम अभी सडनली कर्णप्रयाग जा रहे हैं। और देखो, ठंडियों पर अभी आज आई है ठंडियों की पहली बारिश, अभी यहाँ पे दिख तो ना, पर थोड़ा हल्की हल्की बूंदे आने लग गई। तो चलो दोस्तों, हम भी निकलते हैं, क्योंकि लेट भी हो गई है और बारिश भी होगी। तो मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत परेशान की कब जल्दी चलो जल्दी चलो, ये देखो ये देखो कितना भाग रहा है। ये है दोस्तों बारिश की बूंदे, ये है। तो फिर अभी चलते हैं दोस्तों, तब मिलेंगे आपसे, तब मिलेंगे आपसे कर्णप्रयाग में। अभी हम निकल रहे हैं, मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही है, चल है हाँ वही तो इसको है। यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, आइए दोस्तों चलते हैं फिर। और यहाँ पे अंकित कवर खोल रहा है गाड़ी का, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं देखो, ये कवर फेंक दिया नीचे, और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मैं देखो, ये है कवर लटका दिया है। तो अभी हम चल रहे हैं, और यहाँ देखो इस भूतनी को, ये इतनी एक्साइटेड हो जाती है गाड़ी में जाने के लिए, 2 मिनट भी नहीं रुका जा रहा इससे। और यहाँ पर मार्केट में पहुँच गए हैं, और कुकी मैं अंकित का वेट कर रहे हैं, वो गया है सामान लेने। तो दीने मंगाया था पनीर, क्योंकि अंजू चिकन नहीं खाती है, तो उसके लिए पनीर। तो यहाँ पे हम लकी डेरी से पनीर लेने गए हैं अंकित, और फिर पनीर लेके हम जाएंगे सीधा कर्णप्रयाग।
और हमें थोड़ा सा भूख लग गई थी तो हमने सोचा हम थोड़ा पकौड़े भी खा लें। तो एक दो दुकानों में देखा तो थे नहीं, तो आगे पे हमने देखा ग्रीफ चौराया है यहाँ पे, तो वहाँ पे से देखा तो अंकित यहाँ पे भी लेने गया है पकौड़े। तो फिर अभी हम पकौड़े खाएंगे, देखते हैं। और पकौड़े इतने गंदे हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कच्चे कच्चे से, सारा मूड ख़राब हो गया, सारी भूखी मर गई थी पकौड़ों को देख के, इतने गंदे हो रहे थे वो पकौड़े, तो इसलिए हमने पकौड़े नहीं खाए। और लड्डू लोगों के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह लेने गए थे, तो लड्डू वगैरह के लिए चॉकलेट वगैरह भी रखी, पर पकौड़ों से बहुत ही गंदे टेस्ट आ रहा था इसलिए हमने पकौड़े नहीं खाए, हमने पकौड़े फेंक दिए। और फिर हम कर्णप्रयाग पहुंच गए, और कर्णप्रयाग से फिर हमने यहाँ पे मोमोज़ लिए। तो ये मोमोज़ ठीक थे, ठीक ठाक थे, कृष्णा पैलेस के बगल पे हैं यहाँ पे एक भैया, तो उन्होंने ठीक बनाए थे, अच्छे थे, खाने लायक थे। तो फिर हमने यहाँ पे से मोमोज़ खाए क्योंकि बहुत भूख बहुत तेज़ लगी थी। और उसके बाद हम पहुँच गए तहसील में, तो तहसील में पहुँचे क्योंकि बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो यहाँ पे उछल उछल के छाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है, और ये पापा की गाड़ी यहाँ पे हम यहीं पे लगाते हैं, और अब हम नीचे जा रहे हैं। तो कुकी की खुशी का कारण है क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ भाग रही है आने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सभी बहुत ठंडा है, तो बाहर कोई दिख नहीं रहा है, सब अंदर ही बैठे हुए हैं। और ये आ गया, ये आ गया लड्डू जी, और सब बहुत खुश हो गए हम हमारे आने से। और फिर ये हमारा जो सरप्राइज़ आया हुआ है, जो आपके लिए सरप्राइज़ है कि क्या आया है, उसकी ये मिठाई है। तो फिर अभी हमने यहाँ पे पार्टी चल रही है उस खुशी में मोटी की तरफ से, तो ये चिकन पकौड़े हैं और चटनी वगैरह है, तो हम सब ने मिलकर ये खाया और सब बहुत खुश हैं आज। खासकर लड्डू तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा वाला। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फाइनली वो चीज आ गई है, तो हम आपको सुबह में दिखाएंगे, तब तक हम फटाफट खाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और अब हम सब ने खाना वगैरह खा लिया, और यहाँ पे हम सब बैठे हैं, और अंकित कुकु डरा रहा है। ये है दोस्तों बाल मिठाई, ये है अल्मोड़ा की, एक और कर ला का, और डब्बा भी दिखा दो लोगों इसको, मतलब खास बनाने के लिए। ये अल्मोड़ा मसूरी में हाउस, ठीक है। ये बाल मिठाई आई कहाँ से? कहाँ से? बागेश्वर, उत्तराखंड। कौन लेके आए? और ये पापा लेके आए, बहुत अच्छी मिठाई है ये, देखिए बहुत स्वादिष्ट, प्योर है एकदम नेचुरल। और ये हमारी कुड़ी जिसने खाना खा लिया, गुड नाइट बोल दे, ऐसे बाय भी कर दे, ऐसे बोल, नहीं ऐसे बोल, बाय गाय, बाय गाय, गुड नाइट।